एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। वैसे तो मैं आज वीडियो शूट करना नहीं चाहती थी, पर मैंने बोला मैं रील्स बनाने के लिए रेडी हुई थी तो मैं बोली वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। अगर हो सका तो इस वीडियो में मैं आपको अपना वेडिंग एल्बम दिखाऊंगी। पक्का नहीं बोलती, अभी आगे पता नहीं क्या होगा, बट हाँ अगर हो सका तो। और मैं बैठी हूँ अभी छत में और पूरी साड़ी मेरी ना पूरी नीचे से गीली है, पूरा मेरा पल्लू गीला है। और मैं इसलिए बैठी कि शायद बारिश आ जाए तो एक आध में बारिश में बना लूं, क्योंकि साड़ी तो ऑलरेडी मेरी नीचे से पूरी गीली हो चुकी है। मैंने 3 रील्स बनवाई हैं मिनी से, और बालों में ना मेरे ऑयल लगा हुआ था तो मैंने सोचा आज संडे है तो मैंने सोचा पहले मैं धुलूंगी, फिर मैंने नहीं धुला। मुझे लगा कहीं बाहर तो जाना ही नहीं है क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, तो इसलिए तो फिर मैंने नहीं धुली। और यहाँ पर मैंने और डुगू ने, भाई मेरी हर रील में डुगू आ जाता है, तो मैंने बनाई है रील्स। और मौसम आपको दिखाती हूँ, अभी वैसे हो चुकी है बारिश, लेकिन जब मैं छत पे आई 4:30 बजे तब तक जा चुकी थी बारिश। और अब बज रहे हैं 5:10, तो शायद बारिश होए, मुझे लग तो रहा है। अगर हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो मैं नीचे चली जाऊँगी। मैं सोच रही अगर हो जाए बारिश तो मैं गीली तो हूँ नीचे से, पूरी मेरी साड़ी गीली है, तो मैं एक आध रील और बना लेती हूँ। बट ना मेरे बालों में ऑयल लगा तो तिरछी नहीं आई क्योंकि मैंने चोटी बना करके रखी, बट ठीक है ट्राई किया। और मेरे साथ डुग्गू ने बहुत इंजॉय किया। और आपको मैं मौसम दिखाती हूँ, भाई साहब मौसम तो पूरे बदल काले उधर जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ नहीं बेटा, ये देखिए मौसम, हाँ दो ऐसा लग रहा है, ये बिल्कुल ये बदल जितने काले हैं सारे उस तरफ जा रहे हैं। मुझे लग रहा था बारिश होएगी पर हो नहीं रही है, हाँ पूरे बदल काले इधर चले गए इस साइड, जबकि यहाँ पर थे पूरे, तो यहाँ पर पूरा वाइट हो गया और बदल शिफ्ट हो गए इस तरफ। पता नहीं बारिश होएगी कि नहीं होएगी, कि आगे सिटी में होएगी जा करके। ये देखिए कौन भाई बोल रहा है आपको, बदल भाई बोल रहे, भाई बोल रहे। और डुग्गू जाएगा कल से स्कूल। हाँ, मुझे बदल बोलते। अच्छा इधर देखो भैया, इधर देखो। अच्छा आप स्कूल जाओगे कल से ना? हाँ। कल आपका एडमिशन कराएंगे पापा जी। हाँ। तो कल से स्कूल जाएगा डुग्गू, फिर टिफिन में क्या लेके जाएगा? फिर क्या लेके जाओगे? चॉकलेट। और आपके दांत कितने गंदे हैं, ब्रश नहीं करते हो भाई साहब? ये भाई बहन दोनों के दांत है, भाई बहन क्यों, मेरे खुद के पीले दांत है, पर ये लोग तो ब्रश नहीं करते हैं अच्छे से। हाँ, मैं करता हूँ अच्छे से। करते हो? और अब मैडम आपसे पूछेंगे कि आपसे आपका नाम क्या है, तो क्या बताओगे? क्या नाम है आपका? मम्मी। ये देखो भाई साहब, इसको नाम बताने में, इसको मिनी आ रही है ना अभी, इसको नाम बताने में इसका सिर दर्द होने लगता है लड़के का। वो तो छाता भूल गई, छाता भूल गई, नहीं आएगी बारिश, लग रही थी कि आएगी पर आएगी नहीं। भाई साहब पानी गिरा, उसके बाद गर्मी, इतनी गर्मी है, पसीने निकल रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप बने रहिएगा वीडियो में, अभी मैं नीचे जाऊंगी, बर्तन मैंने धोले नहीं है। अभी बर्तन नहीं है, अभी अभी कपड़े धोए। कपड़े कपड़े तो मम्मी ने धोल दिए थे, बर्तन नहीं धुले हैं मैंने, तो मैं अभी जाकर किचन क्लीन करूंगी और बर्तन धुलूंगी। और आज खाना भी बहुत लेट बना है, मुझे खाना घूमने जाओगे? हाँ, और हस्बैंड ने हाँ बोला था कि अगर मैं फ्री होऊंगा तो कॉल करूंगा, तो तुम काम से फ्री हो ना, मतलब फ्री रहना काम करके पूरा, तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी से काम कर लूँ, अगर उनका हो सका तो उनको टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे 6:30 तक, और नहीं आएंगे तो मैं सोच रही आज अपनी मम्मी के घर चली जाऊँ 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि मेरा बेटा बोल रहा था कि रिया मौसी के घर जाएंगे, नानी के घर, मुझे नानी के घर जाना जाना है। हाँ। क्या करोगे वहाँ जाके? वहाँ जाते खेलूंगा। खेलोगे? हाँ। नानी प्यार करती है कि नाना जी? मम्मी मम्मी आप जल्दी से आ जाना। हाँ, तो आपको प्यार कौन करता है, नानी की नाना? नानी और नाना दोनों करते हैं। नहीं, आप किससे प्यार करते हो, अच्छा ये बताओ? मम्मी से। और पापा से? पापा से। अच्छा, पापा तो से पापा से नहीं करते हो? ठीक है, चलो हवा चल रही है। हवा चल रही,
और फ्रेंड्स ऊपर से छत से आने के बाद ना फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पर रात के बज रहे थे 8 और हम जा रहे थे हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर है तेवरी बोलते हैं त्यूरी बोलते हैं वहाँ पे स्वीट कॉर्न खाने पर गए तो थे, लेकिन वहाँ पर ना सिर्फ 2-3 दुकान ही थी और पूरा अंधेरा था तो मैंने फिर वीडियो ही नहीं बनाया। खा रहे हो डुगो भुट्टे? क्या खा रहे हो भुट्टे? और भाई साहब इतने बेकार भुट्टे थे कि मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। अच्छा था डुगो डुगो उसको खाने तो देना नहीं उससे। अरे वो खाने भी नहीं दे रहा है उसको और उससे कह रहा है कि क्या बोलते हैं फेंक दे। दुगो फेंकना नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने ना इससे पहले जो आपने वीडियो देखा वो वीडियो मैंने संडे को शुरू किया था, तो संडे को मैंने रील्स बनाई थी तो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद शाम को हम गए थे यहाँ से हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर है त्यूरी, तो वहाँ पर ना स्वीट कॉर्न हमारे यहाँ तो घर मतलब भुट्टे ही बोलते हैं तो वो खाने गए थे। बहुत सारा बहुत अच्छा वहाँ पे ना ऐसे पंडाल रोड किनारे हाईवे रोड है ना तो पूरा रोड के दोनों साइड ऐसे पंडाल बने रहते हैं और बैठने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं और अच्छा खासा भीड़ रहती है वहाँ पे, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने। सिटी से पूरा वो अपोजिट साइड है तो पूरा सिटी से फिर उस तरफ जाते हैं जबलपुर रोड में है वो, तो हम वहीं गए थे खाने। तो हमको लगा हम पहले भी बहुत बार गए तो हमको लगा भीड़ होएगी बहुत सारी दुकानें होंगी, पर हमको घर से जाते जाते 8 बज गए थे। फिर वहाँ से मतलब जब पहुँचे तो 8:30 आधा घंटा लग गया था हमको जाने में। तो भाई साहब सिर्फ गिनती की 2 या 3 दुकानें थी। अब हम गए तो लेकिन हमको स्वीट कॉर्न वहाँ पे मिले ही नहीं और मैं ये सोच करके गई थी मेरा मन नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की और ऊपर से मेरा मन भी नहीं था। मैंने बोला यार बारिश हो रही तो नहीं चलते हैं, लेकिन हस्बैंड ने बोला चलो घूम के आते हैं। तो मैंने बोला था मैंने बोला इससे अच्छा मुझे मम्मी के यहाँ ले चलो, तो बोले मम्मी के यहाँ फिर किसी दिन चली जाना तो रुक लेना, लेकिन अभी चलो घूम के आते। तो हम गए बच्चों को लेकर के क्योंकि डुगू मिनी लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि घूमने चलना है पापा जी हमको घुमाने ले चलो, तो बोले चलो इसी बहाने घूम करके आना। तो चले तो गए पर वहाँ पे सिर्फ गिनती की 3 दुकानें थीं और 3 दुकानों में 2 दुकानों में तो भुट्टे बचे ही नहीं थे स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न जो थे ना तो वो स्वीट कॉर्न भी नहीं थे, देसी भुट्टा हमको जो मिला जो ज़्यादा मीठा नहीं होता है पर हाँ अच्छा होता है, गाँव में तो हमने बहुत खाए हैं पहले वही देसी भुट्टे ही घर में आते थे मतलब बिकने आते थे मम्मी ने खरीद करके और फिर उसमें चूल्हे में भून करके, हीटर हमारे यहाँ पहले था हीटर में भून करके हमको बहुत खिलाए तो हमने खाए तो वो देसी भुट्टे थे। अब कुछ ऑप्शन नहीं था और देसी भुट्टे भी ना उसके पास ज़्यादा नहीं थे, मतलब ऐसा कि 2-4-6 ही थे। तो उसने बोला कि आप पहले देख लो अगर आपको पसंद है तो आप फिर बताओ तो फिर हम भून देते हैं। तो फिर हमने बोला अब इतनी दूर आए हैं तो जो ऑप्शन तो कुछ है नहीं लेकिन जो है वही खा के चलते हैं, तो फिर हम वही खाए और खा करके आए। और हमको मतलब आने जाने में इतना घूमने उमने में कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए थे क्योंकि हम बैठे थे, हम बोले यहीं बैठ करके आराम से खाते। डुगू ने बस गर्म था तो फिर वो गाड़ी में खा लिया था थोड़ी बहुत, फिर हमने खाया कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेरे को ना बड़ा आखरा, मैंने बोला इतनी दूर आए और कुछ था भी नहीं और ऐसा भी नहीं कि मतलब अच्छा खासा और भी दुकानें हो तो हम दूसरे जगह जाकर के खा ले, ऑप्शन ही नहीं था कुछ। और वो भैया के पास भुट्टे भी नहीं थे, हमारे यहाँ भुट्टे बोलते हैं वहाँ पे आप जाओ तो वो देसी भुट्टे अलग होते हैं, स्वीट कॉर्न मीठा वाला जो भुट्टा होता है वो अलग होता है, पर वहाँ पर ना था नहीं। स्वीट कॉर्न थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं और मीठे होते हैं और जो देसी भुट्टे होते हैं ना वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, बट स्वाद दोनों में रहता है। और हमने तो बहुत देसी ही भुट्टे खाए हैं। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं कोई वीडियो नहीं बनाई और फिर जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि मेरी ना मौसी सास की बेटी आई थी और वो भी मुझे मिल नहीं पाई, वो मेरा वेट कर रही थी पर मुझे घर आते आते ना 10:30 हो गया था तो फिर मुझे मिली ही नहीं। फिर आने के वहाँ से आने के बाद फिर मेरा मन नहीं किया क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँ क्योंकि फिर कीचड़ था ना पूरा मतलब गंदा था, तो फिर कपड़े वपड़े सब ख़राब हो गए, तो फिर सब मैंने धुलने के लिए रखे, साड़ी वाड़ी नीचे का पूरा फॉल ऑल
सब गंदा हो गया, तो फिर वो मैंने सब धुलने को रखी। इसी बीच फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। फिर मंडे को मिनी के स्कूल स्टार्ट था और मुझे डुगू का एडमिशन भी कराना था, पर डुगू का बना नहीं है आधार कार्ड, तो इस वजह से फिर मैं उसका एडमिशन भी नहीं करवा पाई। और आज है बुधवार और आज 3 तारीख है, तो आज भी एडमिशन अभी नहीं हो पाया उसका। अब देखती हूँ 1-2 दिन के अंदर हस्बैंड फ्री हो जाएं तो फिर मैं उसका एडमिशन करा दूँगी। और पहले मैं ये सोची थी उसका आधार कार्ड बन जाए, पर ये कि आधार कार्ड बनने में कम से कम 15 दिन तो लगेंगे, 10-15 दिन तो हाँ लगेंगे, तो इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी। पहले मैं डुगू का एडमिशन कराऊँगी, क्योंकि भाई नहीं तो फिर टाइम निकलता जाएगा, फिर क्या पता स्कूल में सीट्स अवेलेबल हों कि ना हों, तो फिर नहीं पता उसको एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता। बस तो मिल जाएगा बट पक्का नहीं पता, तो इस वजह से उसका मैं एडमिशन करवाऊँगी। 1-2 दिन के अंदर मैं उसका एडमिशन करा ही दूँगी। और अभी वो है नहीं है तो घर में शांति है, वो गया है अपनी बुआ के साथ बड़ी मम्मी के घर, और मिनी सो रही है, मम्मी भी सो रही हैं, और मुझे धोने हैं बर्तन। तो मैंने बोला मेरा ये वीडियो काफ़ी दिन से 2-4 दिन हो गए, तो मैंने डाला भी नहीं लॉन्ग वीडियो कोई, और लॉन्ग वीडियो मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, उसके बाद ना कोई देखता नहीं है, व्यूज़ आते ही नहीं हैं, तो इसलिए ना मेरा मन नहीं करता है कि मैं इतनी मेहनत करूँ, पूरा रूटीन मतलब जो भी जैसा भी शूट करूँ, फिर मैं दिखाऊँ, एडिट करूँ उसको 1 घंटे बैठ करके, फिर मैं पूरा वीडियो आप लोग के साथ अपलोड करूँ, तो फिर कोई देखता नहीं है ना, तो फिर वो मनोबल नहीं बढ़ता है। पर कोई ना, था वीडियो मेरे पास शूट, तो फिर मैंने बोला इसको पूरा कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और भाई साहब आज से ना जियो का रिचार्ज जो था वो बढ़ गया है, मतलब मेरा ना 5G फ़ोन है, तो मेरे को 1 मंथ के लिए 28 दिन का जो पैक होता था वो 239 रुपीज़ का रहता था, 1.5 GB डाटा, और 5G मेरा पूरा फ्री मिलता है, मेरा वो 1.5 GB भी मेरा बच जाता था। ये फिर मेरे रूम में 5G थोड़ी बहुत मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता, बाकी पूरे घर में 5G मिलता है, तो रूम में आती थी तभी मेरा वो 1.5 GB यूज होता था, ये फिर बच्चे कनेक्ट कर लेते थे दूसरे मोबाइल से तो वो यूज होता था। लेकिन आज से ना वो बढ़ रहा है, आज से शायद आज या कल से उसका बढ़ जाएगा, वही 25% जियो ने रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है। मैंने बहुत सारी रील्स देखी, उसमें बता रहा था कि आप इकट्ठा 2-4 महीने का या 1 साल का इकट्ठा करा लो तो आपको फ़ायदा रहेगा, जो जैसा। तो मैंने भी आज हस्बैंड से बोला कि 2-3 महीने का मेरा इकट्ठा करवा दूँ रिचार्ज, अब देखते हैं क्या पता, अगर आज से बढ़ा होगा तो फिर मैंने बोला मत कराना, अगर कल से बढ़ाएगा तो आज ही करा देना, 3 महीने का तो फिर भी करा ही देना, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ चल रहा। और अभी बारिश हो रही ना तो वीडियो शूट करने का मन नहीं करते, क्योंकि घर के काम ही करते करते पूरा दिन चला जाता है, टाइम ही और टाइम होता भी है ना, तो फिर मैं बोलती हूँ क्या दिखाऊँ, मेरे पास कुछ है भी तो नहीं ऐसा कंटेंट कि मैं दिखाऊँ। पर मैं अपना शादी का एल्बम, मैंने आपसे बोला था ना वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको दिखाऊँगी, पर बारिश के कारण ना मैंने एल्बम नहीं निकाला है, कि थोड़ा सा सीलन सी फिर हो जाती है ना, तो इस वजह से नहीं निकाला। पर अगर आप बोलोगे, क्या पता आप तो वैसे भी कमेंट करती नहीं, पर अगर आप बोलोगे इसमें एक कमेंट आया ना, मैंने पहले भी बोला था वीडियो में, पर भाई साहब वीडियो के 1 महीने बाद उसमें मुझे 2 कमेंट आए थे, पर अगर आप बोलोगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपने एल्बम का शूट करके दिखा दूँगी। और उसको शूट करने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा प्रॉपर अकेले टाइम होना चाहिए। आज तो टाइम था मेरे पास, क्योंकि डुगू था नहीं, डुगू चला गया बुआ के साथ, लेकिन मैंने फिर नहीं किया। मैंने बोला बारिश हो नहीं रही, पर पूरे में बदल बदल है, पूरा नम सा वैसा, पूरा नमी नमी सा है पूरा, तो फिर इस वजह से मैंने नहीं आज शूट किया। पर देखती हूँ, अब आप कमेंट करो या ना करो, पर अभी मेरे पास ना कंटेंट नहीं है, तो ज़्यादा होगा तो मैं 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों के साथ अपना एल्बम वीडियो शूट कर वो शेयर करूँगी शूट करके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास ना अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं कंटेंट दिखाने के लिए, और घर का काम क्या दिखाऊं यार, वही रोज़ का सुबह उठो खाना पीना ये वो, तो क्या दिखाऊं, अभी कुछ है नहीं। बाकी हाँ, मैं सोच रही कि शॉर्ट्स बना करके मैं पोस्ट करूँगी, और जिसने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जा करके फॉलो करिएगा यार, वहाँ पे भी ढेर सारा प्यार दो। पता नहीं इंस्टाग्राम में है क्या, मेरे फॉलोवर बढ़ते हैं और फिर 2-4 एक साथ घट जाते, पता नहीं कैसे घट जाते हैं भाई साहब, बढ़ ही नहीं रहे हैं फॉलोवर। तो जिसने फॉलो नहीं किया तो जा करके फॉलो करो, आईडी मेरे इसी में क्या बोलते हैं यूट्यूब के अकाउंट में लिंक है,
तो आप वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो, और नहीं तो सेम प्रतीक्षा तिवारी आप उसमें सर्च करोगे तो आ जाएगा, तो प्लीज़ जा कर के फॉलो कर लीजिएगा। तो ठीक है, यही था मेरा ये छोटा सा वीडियो। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पता है इसमें कुछ इतना खास नहीं, पर फिर भी प्लीज़ आप अपना प्यार दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम घर वापस जा रहे थे, तो ये वाला सीन मैंने आपको कितनी बार दिखाया, एक तरफ ना मस्जिद है और एक तरफ मंदिर है, और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पीर बाबा।